मैं अमरेश श्रीवास्तव साइकियाट्रिस्ट और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बातें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की करने जा रहे हैं, तो शुरुआत वहां से होगी जहां से मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआत होती, जहां से मानसिक शक्ति मिलती है, मेरा मतलब मातृत्व से, आई मीन मदरहुड। की मानसिक स्वास्थ्य की दशा का सारा दारोमदार इस बात पर है कि उनका मानसिक विकास कैसा हुआ है। यदि उनका मन सशक्त है, जिसे वे समझ सकते हैं, तो कुछ इस तरह जैसे कोई किसान यह जान लेता है कि बरसात किस खेत में, किस गांव में और कब होनी है। एक मौसम वैज्ञानिक की तरह छात्रों की मानसिक समस्याओं को समझने और उनके उत्तर पाने के नए तरीकों को ढूंढने की आवश्यकता है। पुराने नुस्खे बेकार हो चले हैं। जरूरत इस बात की है कि हम छात्रों को औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से यह सिखा सकें कि वह स्वयं के पहचान कर सके, अपने आप को जान सके। देखिए, एप्पल हैज कम आउट विद अ टूल टू डायग्नोस डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों आई, और जवाब यह है कि स्टूडेंट्स में टेंशन है। 10-12% लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी ये समस्या पहचानी नहीं जाती तब तक जब तक कोई आत्महत्या से मर नहीं जाता या कोई हादसा नहीं हो जाता। क्या आप जानते हैं कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल आत्महत्या से हमारे देश में हमें छोड़कर चले जाते हैं, और लगभग इससे 10 या 12 गुना लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या का प्रयास करते हैं। इसमें लगभग 80-90% लोगों को इलाज की भी सुविधा नहीं मिलती। और विश्व में क्या हालत है? लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट 2 साल पहले आई, जिसमें लिखा गया कि इन टोटल पुअर मेंटल हेल्थ वॉज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट द वर्ल्ड इकॉनमी अप्रॉक्सीमेटली $2.5 trillion पर ईयर इन पुअर हेल्थ एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इन 2010, ए कॉस्ट प्रोजेक्टेड टू राइज टू 6 trillion बाई 2030। देखिए साहब, ये हालत है मानसिक स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2022 ने इसकी तस्दीक की। मगर सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों है, और जवाब यह है कि लोग बदले, समाज बदला, जमाना बदलता गया, और बदलते दौर में मन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। People could not cope with the silent and rapid transition in society. You may say, what mental health has to do with rapid social transition? But the fact is that mind and brain both strengthen using social forces and social network. मानसिक विकास किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं के विकास और प्रगति को संदर्भित करता है, जिसमें सोच, समस्याओं का समाधान, स्मृति, भाषा, अधिग्रहण इत्यादि सभी शामिल हैं। भारतीय संस्कृति में संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यात्रा सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहलुओं से निर्मित हुई थी। प्राचीन या वैदिक काल में
मानसिक विकास एक समग्र विकास होता था, जिसके विकास के कार्यक्रम निश्चित थे। इस मायने में यह समझना जरूरी है कि मन और मस्तिष्क साथ साथ विकसित होते हैं और बहुत हद तक मन का विकास मस्तिष्क के विकास पर निर्भर करता है, और मस्तिष्क का विकास जन्म के पहले माता के गर्भ में और माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और जन्म के बाद वातावरण और प्रकृति के अनुभव से फलता फूलता है। है ना चौंकाने वाली बात, प्रकृति जिसका कि अब नामो निशान मिटता जा रहा है। बचपन में प्रकृति से हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसी से मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे जैसे सामाजिक और प्राकृतिक जटिलताएं बढ़ती गईं, मानसिक शक्ति कम न हो इस तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं, हम स्वयं इसी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। हमारे बच्चों में मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए यह सोचना भी हमने बंद कर दिया, और हमारी संस्कृति दो वक्त की रोटी में सिमट कर रह गई। मानसिक स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि अब हालात क्या हैं और हम इससे कैसे बाहर निकलें।